हेलो दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे यारों, कैसे हो आप सब। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कोरे नहीं होते। दोस्तों, अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आप अपने मेहनत के दम पर आप अपना तकदीर लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो तकदीर है वो एक कोरे पन्ना है। ओके, इसी के बारे में शायर इकबाल ने क्या खूब कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप किसी चीज़ को पाने के लिए इतना मेहनत करो, इतना कोशिश करो, इतना दम लगा दो कि खुदा भी इस दुनिया में आए और आपसे पूछे कि क्या चाहिए मेरे बंदो, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए कि इतना मेहनत कर रहे हो। इस शायर का मतलब यही है। ओके, तो अगर आपको मैथ्स समझ में नहीं आता है तो मैथ्स को पाने के लिए इतना कोशिश करो, इतना मेहनत करो, इतना इसके पीछे एफर्ट लगाओ कि आपसे खुदा पूछे कि क्या चाहिए मेरे बंदो। आपको मैथ्स चाहिए, खुदा ने सारी दुनिया को सब कुछ दे दिया तो आपको मैथ्स भी दे सकता है। ओके, तो हम लोग खूब मेहनत से पढ़ेंगे, आगे चलते हैं आगे। तो ये हमारा पास 14.3 का, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 क्या चल रहा है, हम लोगों का डिवीजन करना है। सिंपल, बहुत ही आसान है, इससे आसान मैथ है ही नहीं। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 5। ओके, तो इसको हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज हम लोगों ने पीछे चैप्टर पढ़े हैं, इस चैप्टर का नाम ही फैक्टराइजेशन है। हम लोगों ने पीछे चैप्टर में इसका फैक्टराइजेशन पढ़ा है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, लास्ट और फर्स्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो लास्ट में फर्स्ट में वाई स्क्वायर, लास्ट में 10, तो क्या आ गया 10y स्क्वायर। अब बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं, जैसे ये 7y है, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि इनको जोड़ने पर वही आए और मल्टीप्लाई करने पर 10y। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 7y को 5y प्लस 2y प्लस 10। देखिए 7y, 5y प्लस 2y, 7y। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर आपने 5y प्लस 2y क्यों लिखा, क्योंकि 5y मल्टीप्लाइड बाई 2y क्या होगा, 10y स्क्वायर, वही आया जो लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने से आया। इसको हम लिख सकते थे, कोई लिख सकता था सर 3y प्लस 4y, लेकिन 3 प्लस 3 4 जा 12y स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। आपको इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वही आए जो लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने से आया। लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने से 10y स्क्वायर आया, और 7 को लिखे हमने 5y प्लस 2y, 5y मल्टीप्लाइड बाई 2y ये 10y स्क्वायर, इनको भी मल्टीप्लाई करने से 10y स्क्वायर आया। इसको अलग अलग तरीके से, कोई लिख सकता था 10-3, कोई लिख सकता था 6y प्लस y, लेकिन ये सारे वैलिड नहीं है। अगर हम 7y को लिख सकते हैं 6y प्लस y, ये भी तो 7y होगा, लेकिन इनको मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या आ जाएगा 6y स्क्वायर, ये वैलिड नहीं है। ओके, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको बीच वाले को ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद देन हम क्या करेंगे, आफ्टर ब्रेकिंग के बाद इस 5y प्लस 2y, तो यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा y। ओके, y बचने के बाद यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ y कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा y प्लस 5। अगर आप फैक्टराइजेशन वाला कोई नहीं देखे हैं मेरा, तो आप पहले प्लीज मेरे उस वीडियो को देख लेंगे, फिर देन आगे चल सकते हैं। ओके, तो इन दोनों में वाई प्लस 5, वाई प्लस 5 कॉमन आ जाएगा और बचा वाई प्लस 2। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन करके, वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5, वाई प्लस, और नीचे क्या है वाई प्लस 5, ठीक है सर बोलेंगे पहले काट दिए, वाई प्लस 5, वाई प्लस 5 कैंसिल हो गया, ये वाई प्लस 2 हमारे पास क्या आ गया आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम टू सेम डिवीजन, बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा। एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 अपॉन क्या करना है, m प्लस 2। फिर सेकंड क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करने के लिए लास्ट और फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर, क्या आ जाएगा 32m स्क्वायर। ओके, तो एम स्क्वायर माइनस ये जो 14 है, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 32m स्क्वायर। हम लिख सकते हैं 14 को 16m माइनस 2m, 16 माइनस 2m 14m, 16 2 जा, और यहाँ पे क्या है 16m मल्टीप्लाइड बाई 2m, 16 2 जा
32m2। देखो लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने से 32m2 लास्ट और फर्स्ट को, लेकिन इन दोनों को जो हमने इसको ब्रेक किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी क्या आया, 32m2। कोई बोल सकता था सर हम 14m को 7m+7m लिखेंगे, लेकिन क्या इनको और इनको मल्टीप्लाई करने से 7×7=49m2 क्या वही आया जो लास्ट और फर्स्ट? नहीं, इसीलिए ये वैलिड नहीं है। वैलिड कौन सा है? ये वाला है। ये बोलेंगे कि सर आपको कैसे आता है सारी चीज़, मैंने इतना प्रैक्टिस किया मुझे आ गया। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे देन आपको भी एक ना एक दिन आ ही जाएगा। ओके, तो एम स्क्वायर ये माइनस इसके साथ जाएगा, -16m और माइनस और माइनस +2m -32 अपॉन डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा m+2। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको साफ़ कर देता हूँ। आई होप आप ये सब समझने के बाद उतार लेंगे शुरू में, क्योंकि हम इसको साफ़ कर देता हूँ। ओके, चलता हूँ इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से करता हूँ। तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर और 16m में, इसको फिर से लिख देता हूँ, एम स्क्वायर -16m +2m -32 यहाँ बचा m+2। फैक्टराइजेशन प्लीज़ मेरे पीछे वाला वीडियो देख लेंगे, फिर दिन ये समझ में आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? m कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचा एम स्क्वायर में से m माइनस, जब m ले ले तो क्या बचा 16। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? +2। यहाँ क्या बचा 2 लेने के बाद m, -2 लेने के बाद 16। देखिए इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं, m गुना m, एम स्क्वायर m गुना 16 माइनस 16m 2 मल्टीप्लाइड बाई m, 2m 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 -32। ओके, और नीचे क्या है m प्लस 2। ओके, यहाँ भी क्या है m माइनस 16, यहाँ भी m माइनस 16, दोनों में जगह पे क्या आ जाएगा m माइनस 16। अब यहाँ क्या हो जाएगा m प्लस 2 और नीचे क्या है m प्लस 2, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास सिंपल आ जाएगा m माइनस 16, ये हमारा आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिंपल, क्या करना है इसे, बिल्कुल क्या करना है इसके ऊपर आपको, एक मिनट, चलिए 5 ऑफ p स्क्वायर माइनस 5 p स्क्वायर, इसको शानदार तरीके से थोड़ा सा जगह बना के, एक मिनट चलते हैं। तो इसे हम क्या कर सकता हूँ, 5 ऑफ p स्क्वायर माइनस 25 p प्लस क्या हो जाएगा 20। ओके, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा p माइनस 1। इसे भी हम क्या करेंगे, लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। चले इनमें कॉमन कुछ आ रहा है, देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, सब में हम 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा p स्क्वायर, जब 5 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5p और यहाँ बचेगा +4, क्योंकि 5p स्क्वायर 5 × 5 = 25p और 5 × 4 = 20 और यहाँ पे लास्ट में p माइनस 1। ओके, अब फिर से देन इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे हम रफ में कर लेता हूँ फैक्टराइजेशन, p² - 5p + 4। तो लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 4p², तो p² - इसे लिख सकता हूँ 5p को 4p + p, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4p² और 4p + p 5p यहाँ भी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वही आया जो लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने से आया, यहाँ पे 4। तो p² - 4p - p + 4। ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, p - 4 माइनस कॉमन आ जाएगा p - 4, यहाँ भी p - 4, यहाँ भी p - 4 और यहाँ क्या बचा p - 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचा 1। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो p - 4 × p - 1/p - 1, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो p - 4 हमारे पास क्या हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, बिल्कुल सब में डिवीजन ही करना है, 4yz और यहाँ z² + 6z - 16 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2yz + 8, तो 2 × 2 = 4 और y कैंसिल, यहाँ बचा 2z, क्या बचा हमारे पास 2z, z² + 6z - 16/z + 8। ओके, हम क्या कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा इसको फिर से हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, z² + 6z - 16, इनको और इनको अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा 16z², तो z²
और इस 6z को हम क्या लिख सकता हूँ कि लास्ट और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करने पर वही आया, हम लिख सकते हैं इसको 8z-2z, तब तो आएगा 8z, 8-2, 6z-16। ओके, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, z, तो यहाँ बचेगा z प्लस 8, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इनको अगर हम 2 कॉमन ले लें माइनस 2, तो यहाँ बचेगा z प्लस 8, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने z लिया, तो z मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर, z मल्टीप्लाइड बाय 8z, माइनस 2 ले लें तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय z, माइनस 2z, माइनस 2 और माइनस 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, माइनस और प्लस माइनस, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ भी z प्लस 8, यहाँ भी z प्लस 8, और यहाँ पे क्या कॉमन बचेगा, z माइनस 2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2z तो आएगा ही, लेकिन इनके बदले में यहाँ तो 2z आएगा ही, और इनके बदले में हम लिख सकता हूँ z प्लस 8 और मल्टीप्लाइड बाय z माइनस 2, और नीचे हो जाएगा z प्लस 8, z प्लस 8 कैंसिल, यहाँ बचेगा 2z, सॉरी इसको थोड़ा सा, यहाँ बचेगा 2 ऑफ z और z माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, देन आगे चलते हैं, शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करता हूँ, बिल्कुल आसान है, 5PQ और यहाँ P² - Q²। थोड़ा सा हम फास्ट इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन चैप्टर में सिर्फ हम लोगों ने यही किया है, देन इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले मेरा पिछला वीडियो देख लेंगे, देन आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए a² - b² आप जानते हैं फार्मूला, a² - b² a + b (a - b). कहने का मतलब कोई दो चीज़ हो, इनका इसका स्क्वायर हो, दूसरे का स्क्वायर है, इन दोनों का एक बार जोड़ देते हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों का एक बार सब्ट्रैक्ट, तो एक देखिए p का स्क्वायर है और दूसरा माइनस q का स्क्वायर, तो एक बार क्या करूँगा दोनों को जोड़ दूंगा फार्मूला के हिसाब से, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और नीचे बचेगा 2p + q, है ना, तो ये यहाँ क्या बचेगा 2p + q कैंसिल। ओके, अब यहाँ बचेगा 5/2q और p - q, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन में हम लोग फिर से वही, कुछ नहीं करना है, 12xy और ब्रैकेट 9x² - 16y² डिवाइडेड बाई क्या है 4xy और 3x + 4y। ओके, 4 3 क्या हो जाएगा 12, xy से xy कैंसिल, ऊपर बचा 3 और हम इसे लिख सकते हैं 3x² - 4y² अपॉन क्या है 3x + 4y। आपको पता होना चाहिए a² - b² क्या होता है फार्मूला, इन दोनों को एक बार जोड़ देता हूँ, इन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ कुछ है, बस यहाँ a बोल दो, 3x को a बोल दो और 4y को b बोल दो, है ना, तो a² - b² एक बार क्या कर दूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एक बार इन दोनों को ऐड कर दूंगा अपॉन 3x + 4y, 3x + 4y कैंसिल, हमारे पास सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा 3x - 4y। आप यही भी आंसर छोड़ सकते हैं या इनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 3 = 9x - 3 4 = 12y, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, सिंपल बिल्कुल, 39y³ और यहाँ क्या बचा 50y² - 98 अपॉन ये क्या है 26y² और 5y + 7, ये y² से क्या बचेगा y³ और 39 है, बचो कोई बात नहीं 13 2 13 3 तो सिंपल क्या बचेगा 13 से कैंसिल हो जाएगा ना 13 3 26 39 3/2y और यहाँ क्या बचेगा, हम इनसे कॉमन क्या लिख सकता हूँ, देखिए हम इसको 50 में से हमने क्या बाहर ले लिया, सॉरी यहाँ बचा 3/2y और मल्टीप्लाइड बाय, चलो कोई नहीं ऊपर 3 और y 50y² - 98 अपॉन 5y +
सेवन, ओके इतना समझ में आया होगा आई होप। देन हम क्या लिख सकते हैं, थ्री वाई हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ टू ले लिया, टू निकाल लिया, जब टू निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 25y square, क्योंकि 2 × 25 50y square, यह 98, जब 2 ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 49 अपॉन क्या हो जाएगा 5y + 7। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे तरीके से लिखेंगे, 3y × 2, अब हम इसे लिख सकता हूँ 5y² 25y² को, और इसे -7² देखिए फिर से वही है ना, यहाँ कोई चीज़ है इसका स्क्वायर, इसके अंदर कुछ है इसका स्क्वायर, और नीचे तो 5y + 7 है ही, तो फिर से a² - b² क्या फार्मूला होगा, 3y, यहाँ पे है आपका 3y × 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5y + 7 × 5y - 7 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 5y + 7, 5y + 7 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6y, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद, चलो नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ, एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर इसमें क्या आया था, 3y × 2 और 5y - 7, हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3y × 2 और क्या था 5y - 7, ओके 5y - 7, आप यही भी आंसर रख सकते हैं या थोड़ा सा और कर सकते हैं, 3 × 2 = 6y और यहाँ पे 5y - 7, 6 × 5 = 30y × y² - 6 × 7 = 42y, ये हमारे पास फाइनल आंसर, ओके ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है आज के लिए इतना ही। देखिए अगर आपको ये लेक्चर से बारे इस लेक्चर के बारे में और कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं, आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको क्या करना है, साथ साथ एक दूसरे की मदद करना है, प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, और इस पेड़ पौधे लगाना है और पूरे अर्थ को साफ करना है और हमारे भारत को भी साफ करना है और हमारे भारत को स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाना है। और देखिए मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर दिया करो, और डिसलाइक करने के बाद ये ज़रूर बोल दिया करो कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं अगली बार इससे अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।